वेलकम अगेन स्टूडेंट्स और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3, सब्जेक्ट साइंस है ये, और क्लास 7th के लिए बच्चों ये वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है आपकी, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 23 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखेंगे बच्चों, और ये वर्कशीट आपकी विज्ञान की वर्कशीट है जो कि हम हिंदी मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वर्कशीट में हम किस बारे में सीखेंगे, चाल को मापने के बारे में सीखेंगे। हम जानते हैं कि चाल बराबर है दूरी बटे समय, ठीक। सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद है, चाल बराबर है दूरी बटे समय। एक स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने बस द्वारा तय की गई दूरी पर ध्यान देने का फैसला किया, परंतु वह नहीं जानती थी कि इसकी गणना कैसे की जाती है। तो सोनिया ने सोचा कि जब स्कूल पिकनिक पर जाते समय कि वो जो है बस द्वारा तय की गई दूरी को मापेगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसकी गणना वो कैसे करे। यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको पता है कि दूरी कैसे निकाली जाती है, तो दूरी जो है, दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है, चाल गुणा समय। आपको बच्चों चाल का फॉर्मूला पता है, चाल का फॉर्मूला क्या होगा, चाल बराबर है दूरी बटे समय। तो अगर आपको ये पता है तो दूरी भी निकाल सकते हो। तो दूरी के लिए क्या होगा, समय जो है चाल से गुणा कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगी। तो ये देखिए, दूरी बराबर है चाल गुणा समय। अब आप यह भी ज्ञात कर सकते हो कि दी गई चाल में चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। यानी अगर आपको पता है कि दूरी कितनी है, आपको पता है कि चाल कितनी है, तो आप समय भी आसानी से निकाल सकते हो। यानी एक फॉर्मूले से आप तीनों चीज़ें निकाल सकते हो, अगर आपको कोई भी दो बातें पता हों। आपने स्कूटर मोटरसाइकिल के डैशबोर्ड पर एक मीटर देखा होगा, तो सभी बच्चों ने ऐसा मीटर जो है डैशबोर्ड पर देखा है, सबने देखा हुआ है। इसी तरह से अन्य वाहनों जैसे कार बस के डैशबोर्ड पर मीटर देखे जा सकते हैं। तो इस तरह के मीटर बच्चों डैशबोर्ड पर देखे जा सकते हैं, चाहे वो बस है या अन्य किसी तरह का भी कोई भी जो है वाहन है। मीटर के कोने पर किलोमीटर पर आवर लिखा होता है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर लिखा होता है एक कोने में। इसे क्या कहते हैं, इस यंत्र को हम चाल मापी कहते हैं या स्पीडोमीटर कहते हैं। तो बच्चों, जो चाल मापी है, चाल यानी ये बताएगा आपको कि चाल जो है कोई भी वाहन कितनी चाल से चल रहा है, ओके। तो यहाँ पर हम जो है इस यंत्र के द्वारा किसी भी वाहन की चाल को माप सकते हैं, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। चाल मापी यंत्र किसी भी वाहन की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा बच्चों एक और मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को क्या कहते हैं, इस मीटर को हम पथ मापी यानी ओडोमीटर कहते हैं। यानी एक दूसरी तरह का मीटर है जिसको हम जो है पथमापी कहते हैं, और ये मीटर क्या बताएगा कि आज तक वाहन ने कितनी दूरी तय की हुई है, यानी कुल दूरी जितनी वाहन ने तय की है उसको ये बताएगा ओडोमीटर, जिसको हम क्या कहेंगे, पथमापी कहते हैं। अगर आपने बच्चों ये नहीं देखे हैं तो आप कोई भी वाहन आपके घर में है वहाँ पर आप देख सकते हो, उसमें दोनों तरह के जो यंत्र हैं वो लगे हुए होते हैं, चाहे वो फिर पथमापी है या स्पीडोमीटर है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं, ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको करना है। एक उपकरण जो किसी गतिमान वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहेंगे। तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को माप देंगे तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा, उसको हम पथमापी कहेंगे, ठीक है, पथमापी, ओके, ओडोमीटर या पथमापी। चाल मापी यंत्र किसी गतिमान वाहन की गति को किसमें मापता है, मापता है किलोमीटर प्रति घंटा में मापता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी, दूरी कैसे निकालेंगे बच्चों, चाल गुणा समय। कैसे निकालेंगे, चाल गुणा समय। अब समय निकालना है तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बटे, क्या करेंगे, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल जो है करके हम क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। तो बच्चों, आपको कोई भी दो चीज़ें अगर दी गई हैं तो तीसरी आप निकाल सकते हो। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट, काफ़ी इजी है। आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए,
आपको नाम पता होना चाहिए कि ओडोमीटर क्या मापेगा, स्पीडोमीटर क्या मापेगा, चाल कैसे निकालेंगे, दूरी कैसे निकालेंगे और समय कैसे निकालेंगे। ये पांच बातें यहाँ पर आजमीन हैं और आई होप आपको साथ साथ समझ भी आ गई हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।